भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हुए आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान यूक्रेन पर एक एकीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने पर चर्चा होगी। दो दिनों पर नई दिल्ली पहुंच रहे जापानी प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। खबरों के अनुसार इस दौरे के दौरान जापान के प्रधानमंत्री अगले 5 साल के लिए भारत में $42 अरब के निवेश का ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेता यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो 2022 में भारत दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री किशिदा का लक्ष्य है भारत के साथ सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना होगा। जापान के निकई अखबार ने बताया कि इस यात्रा के दौरान उनके अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी $42 अरब के निवेश की योजना की घोषणा करने की उम्मीद है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जापानी कंपनियों के भारत में विस्तार का भी ऐलान हो सकता है। पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2014 में भारत की यात्रा के दौरान 5 वर्षों में निवेश और वित्त पोषण में 3.5 ट्रिलियन येन की घोषणा की थी। जापान भारत के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और अपनी बुलेट ट्रेन प्रौद्योगिकी के आधार पर एक उच्च गति रेलवे का समर्थन करता रहा है। दोनों नेता 14वें भारत जापान शिखर बैठक में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।